प्रेगनेंसी में विंटर में आपको अपनी कैसे केयर करनी है। विंटर जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा हार्श होती है और इंडिया का इतना एक्सट्रीम वेदर होता है ना विंटर का भी और समर का भी, स्पेशली हम नॉर्थ वालों के लिए। तो आपको कैसे अपनी प्रेगनेंसी के समय में हर चीज का केयर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सेलिब्रेट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा, यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी के दिनों में वैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई होता है और विंटर होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम समस्या जो है वो हमारे शरीर में दिखाई देती है। इसी वजह से हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत भी पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप अपनी त्वचा की, स्किन की कैसे केयर करेंगे, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों के समय में और इसकी केयर प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको प्रेगनेंसी के समय में जो प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट है सबसे पहले तो वो इस्तेमाल करने चाहिए और सर्दियों के समय में हैवी मॉइस्चराइजर आपको अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ पैरों पे, फीट पे, फेस पे तो डेफिनेटली करना ही है। सब जगह अच्छे से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करिए, अच्छे से थिक लिप बाम भी लगाइए, क्योंकि होंठ फटने का, एड़ी फटने की समस्या प्रेगनेंसी के समय में और भी ज्यादा हो जाती है। और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम है तो इस समय पे आपको 2 बार मिनिमम स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम जरूर लगाना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है ना वो नॉर्मल वेदर के कंपैरेटिवली विंटर में बहुत ज्यादा आपको विजिबल रहेगा। इसलिए बेटर है कि आप जो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम है वो अप्लाई करिए, वो आप मिनिमम 2 बार तो करिए और डेफिनेटली आप पहले अपना रिसर्च करिए। मैंने कुछ स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर वीडियोस बनाए, मैं दे दूंगी लिंक, तो वहां से आप देखिए जो मतलब बहुत सेफ प्रोडक्ट है वही इस्तेमाल करिए। 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम जरूर लगाएं। प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है। विंटर है तो बाहर का टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफी फ्लक्चुएट करता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपको थोड़ा भी चिल्स महसूस हो रही है, थोड़ा भी सर्दी ज्यादा लग रही है, तो गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना पीना है। मतलब क्या होता है ना, सर्दियों के समय में नॉर्मल बॉटल में भी पानी रखा हुआ काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो हल्का सा गुनगुना करके पीजिए, ब्लैंकेट में रखिए और सॉक्स पहन के रखिए। बार बार कैफीन पीने की जगह आपको पीना है जिंजर टी या कोई हर्बल टी पीना है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती है। आपको प्रेगनेंसी के समय में और विंटर के समय में बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथिंग पहननी है, जिससे कि आपका शरीर गर्म भी रहे और आपको बहुत ज्यादा मतलब यू नो प्रेशर भी फील ना हो, क्योंकि विंटर में जब हम 3-4 स्वेटर और इस तरीके से कपड़े पहनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सफोकेशन जो है वो महसूस होती है। तो उस हिसाब से आपने कपड़े पहने जो कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में वैसे हम लोगों को ब्रीदिंग में काफी इशू आते हैं और आप ज्यादा टाइट कपड़े पहनोगे तो आपको और ज्यादा मुश्किल होगी। प्रेगनेंसी के समय में पानी पीते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन रहता है, क्योंकि सर्दी में पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए आप प्रेग्नेंट हैं, इस समय पे आपको पानी की और भी ज्यादा जरूरत है, तो पानी पीते रहिए, गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा ताजा सा कर लीजिए उसको, मतलब हल्का सा बहुत ही लाइटली ल्यूकवॉर्म कर लीजिए और देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, और बार बार उस पानी को पीते रहिए। अगर वो पानी पसंद नहीं आ रहा तो कुछ फ्लेवर पानी पी सकते हो जो कि आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। आप गुआवा वगैरह का भी पानी पी सकते हो, इट टेस्ट नाइस, और डेफिनेटली आपको ट्राई करना पड़ेगा आपको कौन से फ्रूट का अच्छा लग रहा है समटाइम्स, क्योंकि देखो लेमन मिंट आप नहीं पी सकते हो इट्स विंटर टाइम, तो आप एप्पल का पानी ले सकते हो, आप गुआवा का या किसी और फ्रूट का जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, अदरवाइज यू कैन ड्रिंक द प्लेन वाटर एज वेल, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपको बस डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी जो है वो आपको एडिक्वेट पीते रहना है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको आप बाहर जाके वॉक तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर ज्यादा सर्दियां हैं, मुझे पता है नॉर्थ में कितनी ज्यादा सर्दी होती है, तो उसमें आप बाहर तो वॉक करके नहीं जा सकते, लेकिन घर में ही 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस आपको जरूर जरूर करना है। अपनी बॉडी को मूव कराते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली विंटर्स में, ये आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और साथ साथ आपको वार्म भी रखेगा। तो आपको एक्सरसाइजेस जो है वो प्रेगनेंसी सेफ करनी है। डॉक्टर से एक बार जरूर डिस्कस करिए कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है एक्सरसाइज करने से पहले। जब भी धूप निकलती है थोड़ी बहुत कोशिश करिए सनबेदिंग लें, धूप में जाइए, धूप को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लीजिए बॉडी, जिससे कि आप सन की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो सन की लाइट कभी भी मिस मत करिए, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ सब अच्छी बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करें।